सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा वेलोर से एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किए हैं, पूरे सरना समाज के लिए एक खुशखबरी, साथ ही समाज के लोगों को जागरूक करने और एकजुट रहने की अपील भी कर रहे हैं। धर्मगुरु ने कहा कि सिर सी ता नाले नू सृष्टि स्थल की बदलेगी तस्वीर, उक्त पवित्र स्थल को सहेजने और संवारने की कवायद होगी तेज। हालांकि पिछले दिनों सृष्टि स्थल सिरसीता नाले नू में छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन धर्मगुरु बंधन तिग्गा सरना धर्मावलंबियों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह का मतभेद उत्पन्न न हो, सृष्टि स्थल को संवारने में मदद करें, एकजुट रहें। धर्मगुरु अपने संदेश में बता रहे हैं कि हेमंत सरकार ने सिरसीता नाले नू तीर्थ स्थल को विकसित करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। इसको लेकर धर्मगुरु हेमंत सरकार खासकर मांडर विधायक बंधु तिर्की के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पूरे सरना समाज, आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को भी धन्यवाद दे रहे हैं। एक बड़ी खुशखबरी को धर्मगुरु बंधन तिग्गा आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं और 21 मार्च को आवश्यक बैठक में शामिल होने की अपील भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु बंधन तिग्गा, आप भी सुने। जय धर्मे जोहार। मैं सभी माता पिता भाइयों बहनों और जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं और अन्य समाज समुदाय के भी मेरे भाई बहन हैं, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि 13 तारीख से मैं यहां भिलोर CMC में गैस्ट्रिक कैंसर का इलाज करा रहा हूं। इसके लिए आर्थिक सहयोग से लेके हमारे लिए विशेष प्रार्थना सभा की जा रही है और मैं जल्द स्वस्थ हो रहा हूँ। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं एक वीडियो जारी कर रहा हूँ, खासकर सिरसीता नाले धर्मकंडो ककड़ोलाता को लेकर। कई वर्षों से हम लोग वहाँ धार्मिक दर्शन के लिए, विशेषकर पूजा पाठ के लिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं और उस स्थल को लेके सरकार से हमेशा, जो भी सरकार झारखंड में आई, सभी सरकारों से मांग डिमांड हम लोग लगातार रखते रहे कि उस जगह का सुरक्षा हो, रक्षा हो, उसका संवर्धन हो। और हम लोगों ने जो मांग रखी थी, वर्तमान सरकार ने हमारी मांग सुन ली है। माननीय हेमंत सोरेन की सरकार, जो हम लोगों ने मांग रखी थी कि वहाँ गेस्ट हाउस बने, वहाँ सुंदरीकरण हो, उसका असली स्वरूप पर किसी तरह का छेड़खानी ना हो, तो ये बात, ये हमारी मांग मान ली गई है। इसको लेके मैं हेमंत सरकार और मांडर विधानसभा का क्षेत्र माननीय विधायक बंधु तिर्की जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि माननीय बंधु तिर्की जी ने विधानसभा में भी बात उठाई थी और सरकार से हम लोगों की बात को रखी और सरकार ने मान ली है। इसको लेके मैं बहुत खुश हूँ और पूरा आज सरना समाज इस कार्य को लेके, सरकार के इस कार्य को लेके बहुत खुश है। और इसको लेके मैं जितने भी मेरे सरना धर्मावलंबी अगुआ हैं और जितने भी हमारे माता पिता भाई बहन हैं, खासकर हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के फाउंडर हैं वीरेंद्र भगत जी और सरना समाति के केंद्रीय अध्यक्ष नारायण उरांव जी, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश के महासचिव रवि तिग्गा जी, अध्यक्ष गौतम उरांव जी और हमारी राष्ट्रीय सरना धर्म प्रचारिका बहन सुशीला उरांव, बहन शीला उरांव, बहन राधा उरांव, बहन कमले उरांव, रजनी उरांव, चिंतामणि उरांव जी, आप सबों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग इस समय सिरसीता नाले को लेके काफ़ी आप लोग चिंतित हैं और सरकार ने हम सबों की मांग मान ली है। और इसलिए आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग 21 मार्च को मुड़ुमा जत्रा शक्ति स्थल में आके आप सभी लोग मीटिंग करें और जो वर्षों से हम लोग सिरसीता नाले
को जो हम लोग असली स्वरूप में देखना चाहते हैं, उसका संवर्धन और संरक्षण करना चाहते हैं, इसका काम अब शुरू होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, आप सभी जानते हैं कि उसका असली स्वरूप से छेड़छाड़ किया गया है, उसका असली स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। इसको लेके कई दफ़ा मीटिंग मैंने डुमरी थाना हो, चाहे गुमला के DSP स्तर पर, SDO स्तर पर मीटिंग हुई, और उसमें ये कहा गया था कि जब तक सामाजिक बैठक नहीं होती है, जब तक समाज से मान्यता नहीं हो जाता है, तब तक वहाँ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। इसके बावजूद जैसे ही मैं 8 तारीख को बीमार होता हूँ और एडमिट हो जाता हूँ हॉस्पिटल में, और श्री कुमार भगत के द्वारा वहाँ पुनः फिर छेड़छाड़ किया जाता है, जबकि बैठक हुई थी प्रशासन से और ये कहा गया था कि जब तक समाज का मोहर नहीं लगेगा, कोई भी वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन शायद उसको शिव कुमार भगत वो अपना मैंने ट्रस्ट के माध्यम से उसको अपना निजी संपत्ति बनाना चाहते हैं, इसलिए उस पर वो बार बार छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं आप सभी जितने भी सरना धर्मावलंबियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति अपना सामूहिक संपत्ति को, अपना निजी संपत्ति या सामूहिक धार्मिक स्थल को कोई निजी धार्मिक स्थल ना बनाए, इसको लेके पूरा सरना समाज मैंने जागरूक हो, इस पर सभी लोग अपना सहयोग करें और सरकार ने जो फंड दिया है उसका सही से सदुपयोग हो। इसको लेके जो मुड़वा में बैठक हो रही है 21 तारीख को मैंने घोषणा की है, और उसकी बैठक में आप लोग भाग लें, और मैं गुमला जिला, लातेहार जिला, पलामू जिला, मैंने चाहे वो सिमडेगा जिला हो, रांची हो, आपका चाईबासा हो, जमशेदपुर हो, सभी जगहों के, हजारीबाग, रामगढ़, सभी जिला के जितने भी हमारे सुदेश जी हैं, सरलू महान जी हैं, और गुमला से सुरेंद्र जी हैं, बाकी जितने सभी लोग हमारे जो धार्मिक अगुआ हैं, और खासकर राजी पढ़ासना प्रार्थना सभा से हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रंथु जी हैं, और अभी वर्तमान में जो जब तक हमारा कार्यकारी अध्यक्ष DD तिर्की जी हैं, और महासचिव मणिलाल क्रिकेटा जी हैं, झरियो जी हैं, सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस बैठक में आप लोग भाग लें, और सरकार जो फंड दिया है वो किसी तरह का वहां विरोधाभास हो के फंड वापस ना हो, इसका खास कर ध्यान रखें। और जो हम लोगों ने प्रपोजल दिया है सरकार से, हम लोगों ने जो मांग की है कि वहाँ गेस्ट हाउस बनना चाहिए, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए, और उसका असली स्वरूप पर किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना हो, असली स्वरूप जो धर्म कंडों का कड़ोल होता है उसका हम लोग संवर्धन और संरक्षण कर सके, इसको लेके हमारे राष्ट्रीय सलाहकार विद्यासागर क्रिकेटा जी, डॉक्टर कर्मा उरांव जी, और जितने भी हमारे नारायण उरांव जी, शिवा कच्छप जी, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मैंने आभार करता हूं, और आपसों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस विशेष बैठक में भाग लेकर काफ़ी चिंतन मनन करें, क्योंकि सरकार ने हमारी मांग को मान ली है। ये वर्षों से हम लोग तप कर रहे थे कि कब हमारी मांग मानी जाएगी, और सरकार ने 5 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ दिया है, और इसी तरह निरंतर हमारी मांग हो सकता है, और आगे भी सरकार हमें सहयोग करेगी। हम लोग सरकार को धन्यवाद देंगे इस सहयोग के लिए, इस कार्य के लिए। तो मैं पुनः आप सबों को इस जगह पर भेलोर CMC में, जब मैं गैस्ट्रिक कैंसर की इलाज करा रहा हूँ, 24 तारीख को डॉक्टर केमोथेरेपी के लिए हमें बुलाया गया है, और केमोथेरेपी होने के बाद मैं जल्द ही आप सबों के बीच में, मैं समाज सेवा के लिए, सरना धर्म के प्रचार के लिए आपके बीच में जल्द से जल्द मैं आऊँगा। हमारे बीच में जो गुमला विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक भूषण तिर्की जी हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मैं बीच में उनके पास गया था और एक एप्लीकेशन उन्हें दिया था कि आप मैंने यहाँ के लिए कुछ पहल करें, तो माननीय विधायक बंधु तिर्की जी का, भूषण तिर्की जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सबों ने हमारी बातों को मानकर सरकार से मांग रखी और सरकार ने मान लिया है। इसके लिए आप सबों को भी, आप सबों का सारा समाज आपका ऋणी रहेगा इस कार्य के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय धर्मे, सबों को जोहार। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।